हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब भी हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जो डिग्री सेल्सियस है उसमें उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9/5 से, और इसमें ऐड करेंगे 32 को। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। और जब हम इसको डिग्री फारेनहाइट को किस में करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, जो डिग्री फारेनहाइट हमारे पास होगा उसमें से माइनस करेंगे 32। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई किया था, 9/5 से, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5/9 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 32 को ऐड किया था, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं और उसको करके देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है और इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री फारेनहाइट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था कि जो भी डिग्री सेल्सियस है उसमें क्या करना है, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 9/5 से, और उसमें ऐड करना है 32 को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9/5 है तो 5 से 30 कैंसिल 6 पे, और 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से, और इसमें ऐड करेंगे 32, तो क्या आएगा हमारे पास, डिग्री फारेनहाइट। तो 6 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 54 प्लस में 32। ठीक है, 54 और 32 को ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 5 और 3 8 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, हमारे पास क्या था, 30 डिग्री सेल्सियस था, तो हमने इसको फारेनहाइट में चेंज किया तो क्या है हमारे पास, 86 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं फारेनहाइट को किस में चेंज करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। जब भी हमारे पास ये दिया हो कि जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं 140 डिग्री फारेनहाइट है और इसको चेंज करना हमने किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में जब भी इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी फारेनहाइट है, जैसे डिग्री फारेनहाइट है, इसमें से हमने क्या करना, माइनस करना 32 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5/9 से। ठीक है, तो हमारे पास डिग्री फारेनहाइट है 140 और इसमें से माइनस करेंगे 32 को और मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, तो हमारे पास क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 140 में से 32 को हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या आएगा, 108, और 108 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस आएगा, तो 9 से कैंसिल करेंगे 108 को, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, क्या बचा, 12, और गुणा में 5, 12 × 5 = 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आंसर है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने किया कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।